हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे खेल कूद से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी ऑब्जेक्टिव रूप में होंगे क्वेश्चंस आपके, ठीक है। वन डे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट सॉल्व किए जा रहे हैं। तो 101 तक 100 क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं, 101 से हमें बात करनी है। 101वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया जाता है। हॉकी को किया जाता है, निशानेबाजी को भी, क्रिकेट को नहीं किया जाता है, मुक्केबाजी को भी किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 101 में आपका सी ऑप्शन होगा, क्रिकेट। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया, जो नाम है एक पर्वत का। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, ज्योति रंधाता किस खेल से संबंधित है, या आपकी गोल्फ से संबंधित है। क्वेश्चन है हमारा चार, विलियम्स बहनों की ख्याति का कारण क्या है। टेनिस। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा पांच, बैडमिंटन के कॉर्क का वजन क्या होता है। तो इसका होता है 4.74 से 5.51 ग्राम। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा छठवां, क्रिकेट की गेंद की परिधि क्या होती है। क्रिकेट की गेंद की परिधि 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर होती है। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा सात, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। तो जापान नहीं खेलता है। क्वेश्चन है हमारा आठ, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो 7, 7। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका नौवा, कौन सा नौवा क्वेश्चन, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं। तो यह है आपकी बैडमिंटन से संबंधित। क्वेश्चन है हमारा दसवा, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे आपके सी के नायडू। बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है आपका 11, क्या है, प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। तो यह मनाया गया था आपका 1995 में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 12, टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ। हुआ था आपका 1900 से, सन 1900, ठीक। क्वेश्चन है हमारा 13, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो 1961 में, 1961 से आपके अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन है हमारा 14, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है। तो इनका शतरंज से। क्वेश्चन है हमारा 15, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। मिल्खा सिंह को। क्वेश्चन है हमारा 16, डेविस कप की शुरुआत कब हुई। डेविस कप की शुरुआत सन 1900 में हुई थी। क्वेश्चन है हमारा 17, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन था। तो ये था आपका उरुग्वे। क्वेश्चन है 18, एशियाई खेलों का पृथक
प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे जाता है? तो ये भारत को प्राप्त है। क्वेश्चन है हमारा 19, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो इनका है लॉन टेनिस से। क्वेश्चन है हमारा 20, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है आपका? तो ये आपका पटियाला में, राष्ट्रीय खेल संस्थान आपका पटियाला में है। क्वेश्चन है हमारा 21, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह आपकी मेजर ध्यानचंद की। क्वेश्चन है 22, एस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका लॉन टेनिस से। क्वेश्चन है आपका 23, ऐसे शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका क्रिकेट से। क्वेश्चन है 24, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका शतरंज से। इस तरह के क्वेश्चंस आपके कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो याद रखना है। क्वेश्चन 25, बेटन बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका हॉकी से। क्वेश्चन है हमारा 26, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका बैडमिंटन से। क्वेश्चन है हमारा 27, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका पोलो से। क्वेश्चन है 28, भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? बैटन कप। क्वेश्चन है 29, शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सेरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? स्पेन का। क्वेश्चन है 30, खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित हैं एथलेटिक्स से। क्वेश्चन है हमारा 31, क्या है 31 क्वेश्चन आपका? प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित है? तो यह आपकी फिजी, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 32, मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका ब्रिज। क्वेश्चन है 33, किस खेल का परिचय डायमंड कहलाता है? तो यह कहलाता है बेसबॉल। क्वेश्चन है हमारा 34, तैराकी का खेल परिचय है पूल। क्वेश्चन है 35, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के हैं? तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के। क्वेश्चन है हमारा 36, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल। 136 में आपका बी। क्वेश्चन है हमारा 37, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल फाइटिंग। क्वेश्चन
क्वेश्चन है हमारा 38। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का। क्वेश्चन है 39, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? तो 1896 में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 40, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? 1930 में। क्वेश्चन है हमारा 41, एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? 1951 में। क्वेश्चन है 42, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो यहाँ 5 महाद्वीपों के। क्वेश्चन है 43, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत आपकी हुई थी 1933 में, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 44, नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? नॉकआउट शब्द आपका मुक्केबाजी से संबंधित है। क्वेश्चन है 45, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? ये आपका तैराकी से। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है हमारा 46, निम्नलिखित में से किस खेल में हैट ट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? लॉन टेनिस में नहीं होता है। क्वेश्चन है हमारा 47, बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। क्वेश्चन है 48, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गुगली शब्द आपका क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन है हमारा 49, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? ब्रेस्ट स्ट्रोक आपका है तैराकी से संबंधित। क्वेश्चन है 50, चुक्कर किस खेल से संबंधित है? चुक्कर है आपका पोलो से। क्वेश्चन है 51, थर्ड आई खेल शब्दावली संबंधित है आपकी क्रिकेट से। क्वेश्चन है 52, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? गोल। सी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है हमारा 53, ब्रैडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ रोलैंड पेरी, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 54, जिग्गर किस खेल से संबंधित है? यह आपका गोल्फ से संबंधित है। क्वेश्चन है हमारा 55, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फिडे किस खेल से संबंधित है? यह आपकी शतरंज से। क्वेश्चन है हमारा 56, हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? टाइगर बोर्ड्स। क्वेश्चन है हमारा 57, क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो यह आपके कपिल देव।
क्वेश्चन है हमारा 58। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? आईसीसी पुरस्कार। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 59। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये आपके एंथेंस में। क्वेश्चन है हमारा 60। निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? फ्रैंक स्ट्रोक नहीं है। डी ऑप्शन 60 में डी। क्वेश्चन है हमारा 61। निम्नलिखित में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच हैट्रिक की थी? तो ये थे आपके हरभजन सिंह। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 62। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। 63 क्वेश्चन है, किस देश ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के सबसे पहला संस्करण जीता था? तो भारत ने। क्वेश्चन है 64। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पाकिस्तान ने 2009 में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था। सही है। क्वेश्चन है 65। निम्नलिखित में से किस देश ने आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का एक भी खिताब नहीं जीता अभी तक? तो ऑस्ट्रेलिया ने नहीं जीता है। ठीक है, 65 में आपका ए। क्वेश्चन है 66। वर्ष 2021 का आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका भारत में। क्वेश्चन है हमारा 67। किस देश ने आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब 2 बार जीता है? तो ये है आपका वेस्ट इंडीज। ओलंपिक खेलों के प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? 5। कितने? 5। क्वेश्चन है हमारा 69। पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच के बीच खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के। क्वेश्चन है हमारा 70। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 1975 में लंदन में आयोजित किया गया था। सही है। इंग्लैंड को फाइनल में हराने के बाद वेस्टइंडीज ने पहली बार विश्व कप जीता था। यह आपका गलत है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। सही है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना 1927 में की गई थी। ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका बी होगा। क्वेश्चन है 71। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में किस देश को अधिकतम बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा? इंग्लैंड को। वर्ष 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट कप में आयोजित किया जाएगा भारत में। क्वेश्चन है हमारा 73। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्राजील और इटली ने फुटबॉल विश्व कप 4-4 बार जीता है। गलत है। अगला फुटबॉल विश्व कप रूस में आयोजित किया जाएगा। फुटबॉल विश्व कप का पहला विजेता उरुग्वे था। पहली बार फुटबॉल विश्व कप 1930 में आयोजित किया गया था। बी सी डी तीनों सही है, लेकिन ए सही नहीं है। तो इसमें होगा ए। क्वेश्चन है हमारा 74। बॉक्सिंग डे
टेस्ट मैच हमेशा किस देश में खेला जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन है 75, किस देश ने सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है? ब्राजील ने। क्वेश्चन है 76, निम्न में से किस टीम ने अभी तक आईसीसी महिला T20 विश्व कप का एक भी खिताब नहीं जीता है? तो यह आपका भारत। क्वेश्चन है 77, किस देश ने सबसे अधिक बार आईसीसी महिला T20 विश्व कप जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन है हमारा 78, विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? यह आपकी चेस से। क्वेश्चन है 79, बॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस। क्वेश्चन है 80, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? निरंतरता, निरंतरता। क्वेश्चन है 81, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो ये थे आपके KD जाधव। क्वेश्चन है 82, फाइन लेग शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। क्वेश्चन है आपका 85, क्वींस बेरिनियम किस खेल से संबंधित है? ये आपकी बॉक्सिंग। क्वेश्चन है 86, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ? 1896 में। क्वेश्चन है 87, आईसीसी महिला T20 विश्व कप का सबसे पहले कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका इंग्लैंड में। क्वेश्चन है आपका 88, अगला आईसीसी महिला T20 विश्व कप कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका 2022 में दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन है हमारा 89, पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? मार्च 1951 में। क्वेश्चन है हमारा 91, राष्ट्रमंडल खेलों खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्ष। क्वेश्चन है हमारा 52, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? हॉकी। क्वेश्चन है 93, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। क्वेश्चन है 94, बास्केटबॉल के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 5। क्वेश्चन है हमारा 95, वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7।
क्वेश्चन है 96, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। क्वेश्चन है 97, मुक्केबाजी खेल के खेल परिचय के को किस नाम से जाना जाता है? रिंग। क्वेश्चन है हमारा 98, जूडो कराटे ताइक्वांडो के खेल जिस परिसर में होते हैं उस खेल परिसर को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं मैट। क्वेश्चन है 99, बेसबॉल के खेल परिवार को क्या कहा जाता है? फील्ड। क्वेश्चन है आपका 200वां, दिया गया शब्द गैमेट किस खेल से संबंधित है? ये आपका शतरंज। क्वेश्चन है हमारा 201वां, दिया गया कौन सा शब्द बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है? दिया गया शब्द बिलियर्ड्स किस खेल से संबंधित है? यह है आपका क्यू बॉल्टिंग इनफ सभी होगा। 201 में आपका डी। क्वेश्चन है दूसरा, कॉर्नर किक शब्द का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, डोरंड कप रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। क्वेश्चन है हमारा चार, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल। क्वेश्चन है पांचवा, निम्नलिखित में से किस कप या ट्रॉफी का संबंध हॉकी खेल से नहीं है? आगा खान कप। क्वेश्चन है छठवा, शिवजी स्टेडियम जो दिल्ली में अवस्थित है किस खेल से संबंधित है? हॉकी, शिवाजी भी बोलते हैं, ठीक है, डी हॉकी। क्वेश्चन है सात, सवाई मानसिंह स्टेडियम जो राजस्थान के जयपुर में अवस्थित है किस खेल से संबंधित है? यह आपका हॉकी। क्वेश्चन है हमारा आठ, खो खो खेल में निम्नलिखित में से किन उपकरणों की आवश्यकता होती है? पोस्ट की होती है, कोड की होती है, माप लेने वाले टैप स्टॉप वॉच की, इनमें से सभी। 208वां क्वेश्चन का आपका डी होगा, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस खेल से संबंधित और उनके आंसर्स। चलिए तो इसी तरह के ऑब्जेक्ट हम लोग अन्य विषय से संबंधी भी देखेंगे, ठीक है, आगे।